गाइस अभी यार आज जाने का टाइम आ गया है, तो अभी 20 दिन मैं छोड़ के जा रहा हूँ जैकी को हमारे बाबू भैया के पास, जिनके पास हमारी लॉरी दी हुई है। और जैकी को पता चल गया है कि मैं थोड़ा निकल रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी डिप्रेस हो गई है। अच्छे से रहना बेटा, ठीक है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। सूरज की किरण आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने। बाबू भैया ने हमें छोड़ दिया है यहाँ पे, और अभी 10:50 या 10:55 की मेरी ट्रेन है, तो वहाँ से दिल्ली जाऊँगा, रात को पहुँचूँगा। और जैकी जो है अपने बाबू भैया के पास ही है, लॉरी भी इनके पास ही है, तो भी इनका ध्यान रखेंगे। और ये मैं आ चुका हूँ जोधपुर स्टेशन पे, आप लोग देख सकते हैं जस्ट अभी ट्रेन है मेरी थोड़ी देर बाद, तो गाइस मिलते हैं ट्रेन के अंदर। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन पे, और स्टेशन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है जोधपुर का। और अभी मेरी जो ट्रेन है वो है गाइस 10:55 की, 10:55 की ट्रेन है गाइस मेरी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन पे, और ट्रेन का प्लेटफॉर्म मुझे पता नहीं अभी। ट्रेन, मेरी ट्रेन ये है, ये मेरी ट्रेन लगी हुई है गाइस यहाँ पे, और सामने वाला S2 वाला कोच ये मेरा ही है। तो अभी गाइस बैठूँगा ट्रेन के अंदर, 10:55 की ट्रेन है मेरी, 10:55 की ट्रेन है। उसके बाद रात को 10 या 10:15 बजे दिल्ली सराय रोहिला उतारेगी मेरे को, उसके बाद वहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। तो गाइस अभी ट्रेन में बैठ चुका हूँ मैं, और ट्रेन 10:55 को जाएगी, तो बस वेट कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ, और रात के 10 बजे दिल्ली सराय रोहिला उतरेंगे। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट में, और अभी मैं खाना वाना खा रहा हूँ यहाँ पे। खाना मैंने पनीर मखनी और चावल मंगाए हैं, जो कि मुझे पड़ा है 385 में, और टैक्सेस मिला के 404 का है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 404। ये देखो गाइस पनीर मखनी विथ राइस, यहाँ से मैंने खाना लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना मस्त होटल है, यहाँ से मैंने लिया है और यहीं पे मैं खाना खा रहा हूँ अभी। देख सकते हैं गाइस कितना शानदार है, और यहाँ पे एक बियर काउंटर भी है, तो आप अगर बियर वियर भी लेना चाहें तो यहाँ पे बियर वगैरह भी ले सकते हैं। 561 से स्टार्टिंग है, और यहाँ से ये काउंटर है, मैंने यहाँ से लिया है ये खाना वगैरह, और मैं यहाँ पर खा रहा हूँ। ये मेरी टेबल है गाइस, मॉर्निंग में 6:05 की मेरी फ़्लाइट है, उसके बाद बीच में कलकत्ता स्टॉप है 1 घंटे का, और कलकत्ता तो फिर मैं डायरेक्ट अगरतला जाऊंगा, वहीं पे मम्मी रुदू सब हैं,
और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं आपको सीधा अगरतला लाके बताऊंगा। बीच में अगर कलकत्ता रुका और कुछ मौका मिला करने का तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो गाइज़ अभी मैं कोलकाता स्टेशन पहुंच चुका हूं जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो अभी 8:55 की है मेरी, जो कि मुझे कोलकाता से अगरतला छोड़ेगी। तो अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूं। और मैं आज पहली बार कोलकाता जो एयरपोर्ट है वो आया हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही बड़ा है, और उससे पहले मैं मुंबई में भी गया था, मुंबई एयरपोर्ट पर, वो भी काफ़ी बड़ा है। मतलब कोई नया आदमी जाता था वो कन्फ्यूज तो होके ही रहेगा। और यहाँ पे ही मुझे गेट नहीं मिल रहा था तो बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढ ढूंढ के आया हूँ। और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ उसका व्यू आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार व्यू है। बाहर सारे के सारे एरोप्लेन जो है वो डिपार्चर के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सारे का सारा बाहर का व्यू, सारे के सारे एरोप्लेन रेडी हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अगरतला के स्टेशन, क्या बोल रहा हूँ, अगरतला के एयरपोर्ट पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है अगरतला का जो अभी हाल ही में नया बना है, और इसका नाम है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला। तो गाइज़ अभी हो चुकी है बारिश यहाँ पे, तो मेरे को फटाफट से कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये कैमरा है ना वाटरप्रूफ नहीं है। तो गाइज़ मिलते हैं सेकंड पार्ट में वीडियो के, तो तब तक के लिए वीडियो बने रहना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी बारिश बहुत तेज़ आ गई गाइज़, तो मैं निकलूँगा। और मौसम आप देख लो, बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है, बहुत ही औसम मौसम हो रहा है। तो गाइज़ अभी मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा यार, क्योंकि ना बहुत बारिश हो रही है। बाय बाय बाय, मिलते हैं बाद में गाइज़।